हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। अपडेट देखेंगे, यानी कि करंट में दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आज इस रीडिंग में देखा जाएगा। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा कि अगर आपको पता है कि आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी है और वो कौन है, आप तभी ये रीडिंग देखेंगे। यानी कि डाउट के बेस पर चैनल पर जो भी रीडिंग करी जा रही है थर्ड पार्टी के रिगार्ड, वो नहीं है। यानी कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में पूरी तरह से श्योरिटी होनी चाहिए। रीडिंग जो है वो पूरी तरह से जनरल और एक कलेक्टिव है, तो हर बात में आपको फिट नहीं करना है अपने आप को। और इवन ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं। कोई क्राइटेरिया रीडिंग को लेकर नहीं बनाया जा रहा है, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का या लड़की, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, दोनों के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है, प्लस दोनों की सोच अब एक दूसरे को लेकर क्या चल रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन की सोच एक दूसरे को लेकर। रेस्ट एंड रिकंसिडर, गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे गाइड कीजिए, ऑब्जर्व, गाइड कीजिए, बताइए क्या हो रहा है दोनों के बीच में। कंट्रोल, एक कार्ड दीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। मास्टर एंड बॉटम है, मूविंग ऑन, ठीक है। यहाँ पे जो अभी तक राशियाँ आई हैं वो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका पाइसेस, ये आपका लियो, ये आपका कैप्रिकॉर्न, और ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो चांसेस हैं कि अगस्त मंथ में आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पास गए, या अगस्त मंथ में आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए थर्ड पार्टी को लेकर, या फिर यहाँ पर ये चांसेस हैं आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ 8 साल का है, लेकिन 8 महीने हो चुके हैं आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के पास गए हुए। तो ऐसे करके आपको ये नंबर्स या ये मंथ लेकर चलना होगा। सवाल पर आते हैं कि अब दोनों के बीच में करंट में क्या हो रहा है। देखिए, दोनों की हालत तो यहाँ पर ऐसी है कि आज गए तो कल गए, कल के जाते जाते आज यहाँ से मूव ऑन कर जाएं, कल के जाते जाते आज यहाँ से दूर चले जाएं। तो दोनों की यहाँ पे हालत तो ये हो रही है, लेकिन वही चीज़ हो रही है कि वो आज नहीं आ रहा, वो कल नहीं आ रहा। तो बस आप इतना समझ लीजिएगा, क्योंकि बॉटम की एनर्जी यहाँ पर आई है मूविंग ऑन, यानी कि यहाँ पर हर एक चीज़ को क्लियर करा जाएगा। देखिए, मूविंग ऑन का कार्ड ये चीज़ें बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ भले हैं, लेकिन दोनों की जो अंदर की फीलिंग्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो चुकी है, या एक इच्छा दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर यही है कि हम इससे दूर हो जाएंगे। जितना ज़्यादा इससे दूर रहेंगे उतना ज़्यादा हम अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाएंगे, या अपनी एक पहचान बना पाएंगे। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ये मुझे ज़्यादातर तो आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, लेकिन मैं भी और टैरो से कार्ड्स निकालूंगी। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि दोनों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन है जैसे ठंडा हो गया है मामला। अभी तक जितना स्पीड से ये रिश्ता एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा था, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, उतना ज़्यादा ये रिश्ता अब ठंडा हो गया है। दोनों बैठ कर पहले ये कंसिडर कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने वक्त तक चल पाएंगे, या एक दूसरे के लिए कितने कैपेबल हैं, एक दूसरे के साथ क्या हम सारी ज़िंदगी रह पाएंगे, या एक दूसरे का साथ हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या उसके साथ रहकर मेरी क्या पहचान है, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या वजूद है। तो ऐसा कुछ दोनों के बीच में अब चल रहा है। दोनों यानी कि यहाँ पर ना अपनी थॉट्स को पहले क्लियर करना चाह रहे हैं, भले ये दोनों कमिटेड हो गए हों, कमिटमेंट में आना चाह रहे हों, या फिर
परिवार ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर ना दोनों के दिल में एक इस तरह के थॉट्स पनपने लगे हैं कि पहले अपने अपने विचारों को लेकर, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर क्लियर हो जाना चाहिए। इवन यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ, दोनों जितना ज़्यादा अपने आप के थॉट्स को क्लियर करना चाह रहे हैं, उतना ज़्यादा एक दूसरे पर निगाहें भी रखे हुए हैं, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि एक कंट्रोलिंग एनर्जीज, एक स्पाई वाली एनर्जी यहाँ पर है। दोनों एक दूसरे की हर एक हरकत पर पूरी निगाहें रखे हुए हैं, चाहे फिर आपके पार्टनर हो या ये थर्ड पार्टी हो, क्योंकि दोनों यहाँ पर ना अपने आप को तो आज़ाद रखना चाहते हैं, लेकिन अगले या अगली को यहाँ पर कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं, और दोनों ही वो चीज़ों में कामयाब नहीं हो पा रहे। इसी रीज़न की वजह से दोनों के माइंड में अपने अपने लिए एक इंडिपेंडेंसी का जो रास्ता है वो चुना जा रहा है, या उसके बारे में दोनों के थ्रू सोचा जा रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी है, देखो आपको मानना होगा, शुरुआती तौर पे भले आपके पार्टनर यहाँ पे कंट्रोल में रह लिए हो, लेकिन अब आपके पार्टनर यहाँ पे कंट्रोल में खुद नहीं रहना चाह रहे, कंट्रोल में ये अगले को या अगली को, यानी कि इस थर्ड पार्टी को ये रखना चाह रहे हैं। यानी कि ये पर्सन अब अपनी इंडिपेंडेंसी के दरवाजे खोलना चाह रहे हैं कि ये अब अपनी एक अलग पहचान बनाएं थर्ड पार्टी से हटकर। तो वो चीज़ें अब दोनों के बीच में चल रही है। अब देखते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल में जानकारी, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब एक दूसरे को लेकर करंट में क्या है, गाइड कीजिए। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये है आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये भी आपकी सजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर 10 एंड 11 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। देखिए थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे ना अपनी जेलिसी की वजह से, अपनी इमैच्योरिटी की वजह से यहाँ पर जो भी हरकतें कर रही है या जो भी करती आई है वो कर रही है, भले ये उम्र में कितनी भी बड़ी हो, लेकिन यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है ये अपनी लाइफ में या आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी करती आई है ना, एक जेलिसी की वजह से, एक ईर्ष्या की वजह से ये कर रही है। और यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि ये अभी भी कहीं ना कहीं जो जेलेसी कभी एक वक्त पे आपसे रखती थी, अब वो जेलेसी आपके पार्टनर से भी रखने लगी है। भले इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आपको उसी हिसाब से लेना है। यहाँ पर थर्ड पार्टी अपनी जेलेसी के चलते ही रुक कर यहाँ पर चीज़ों को रिकंसिडर कर रही है, देख रही है, जाँच रही है, परख रही है, और इवन आपके पार्टनर को यहाँ पर बात बात पर जताया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है कि इसने आपके पार्टनर के लिए क्या करा, क्या नहीं करा, कितना करा, कितना नहीं करा, चाहे करा हो या नहीं करा हो। लेकिन इसकी इमैच्योरिटी यहाँ पर है कि अगर इसने ये रिश्ता निभाया है, रिश्ते में है, तो वहाँ पर जताया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, ये चीज़ें फील करने वाली होती हैं अगले की तरफ से। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी ये जेलेसी अब आपके पार्टनर से रख रही है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ये चीज़ें फील हो रही है कि यहाँ पे अब आपके पार्टनर का ज़्यादा कंट्रोल उसके ऊपर हो रहा है, या आपके पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं उससे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि होते ना, इसको किसी के भी साथ इसका रिश्ता है, ये अपनी जेलेसी की वजह से ही सब चीज़ें खराब करती है। तो ये तो है थर्ड पार्टी की सोच आपके पार्टनर को लेकर, और आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी किस्मत को लेकर चीज़ों को रिकंसिडर कर रहे हैं कि भाई मेरी किस्मत ख़राब है, जिस भी तरफ ये बढ़ते हैं, जिसका साथ देते हैं, जिसको अपना मानते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने लगती हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ों में खटास आने लगती है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। तो अपनी किस्मत में क्या लिखा है, तो आपके पार्टनर वहाँ पे बैठकर अपनी डेस्टिनी को कोस रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बार बार जता रही है ये चीज़ें, इस पर्सन को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रही हैं, इसीलिए ये अपनी डेस्टिनी को लेकर, अपनी
किस्मत को लेकर, जैसे होते हैं ना कि मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, जिसकी भी तरह बढ़ते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हो ही जाता है। तो ये आपके पार्टनर की सोच है। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिखा कि भाई ये इस थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। हाँ, अपनी डेस्टिनी को लेकर डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा रिकन्सिडर कर रहे हैं बैठ कर, कि अब क्या करना चाहिए, किस तरफ पढ़ना चाहिए, क्या फैसला लेना चाहिए और क्या फैसला अब नहीं लेना चाहिए। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, मुझे बताइए और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। द टावर एंड बॉटम है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन होना हो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को ना फाइनेंशियली लेवल पर काफ़ी मदद करते आए हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ना आपके पार्टनर की तरफ से वो फाइनेंशियली लेवल पर जो सपोर्ट हुआ करता था, जो दिया जाता था, वो यहाँ पर कम होता जा रहा है, लिमिटेड होता जा रहा है, जिसके चलते थर्ड पार्टी के अंदर ये जेलेसी आई है, ये तूफान उमड़ रहा है, या ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर इवन क्लियर हो रही है। जैसे कि एक होता है ना कि जब तक आप करते रहोगे तब तक आपकी वाहवाही होती रहेगी, आपकी पूजा करते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपने यहाँ पे देना बंद कर दिया, करना बंद कर दिया, वहाँ पे आपकी 100 कमियाँ भी निकल जाएगी। फिर थर्ड पार्टी तो उसी किस्म की है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर ना आपके पार्टनर की तरफ से जो चीज़ें लिमिटेड होनी शुरू हो गई हैं, वो इस थर्ड पार्टी की नींव को हिला रही है, वो थर्ड पार्टी को ये क्लियर कर रही है या ये मन में डाउट पैदा कर रही है कि जो ये थर्ड पार्टी डिजर्व करती है वो भी अब आपके पार्टनर ने इसे देना बंद कर दिया है। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि जेलेसी, वो तो उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, थर्ड पार्टी ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, जिसके चलते यहाँ पर ना यही अपने आप को साइड करते हुए मुझे दिख रही है। मतलब एक होता है कि मन में इसके ये चीज़ें हैं कि अब जो करना है मुझे खुद करना है, अपने बलबूते पे करना है, जो मैंने आपको बताया अपनी अपनी पहचान बनाना या इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ना बजाय डिपेंड होने के, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को यही जाहिर करती आई है कि ये आपके पार्टनर पर डिपेंड है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं चाह रही है। वो यहाँ पर एक झटका आपके पार्टनर की साइड से भुगत रही है, उसकी लाइफ में यहाँ पर किसी तरह का सच आपके पार्टनर के रिगार्ड आया है, चाहे इनकी नेचर को लेकर हो, इनके बिहेवियर को लेकर हो, इनके एटीट्यूड को लेकर हो, लेकिन ये चीज़ें ना थर्ड पार्टी को पूरी तरह से हिला रही है, झंझोर रही है। उसके अलग आपके पार्टनर का क्या है, डेफिनेटली ये पर्सन ना अब यहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच समझकर स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। मतलब ये पर्सन यहाँ पर ना अपनी डेस्टिनी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं बजाय इस थर्ड पार्टी के निहोरे करने के, थर्ड पार्टी की करते रहने के, जो अक्सर ये करते आए हैं। जैसे कहते हैं ना कि जिसे आप बार बार देते रहोगे और फिर आप उससे वो छीन लो तो वो बड़ा ही खलता है, तो थर्ड पार्टी को तो वो चीज़ें खल रही हैं और आपके पार्टनर यहाँ पर ना थर्ड पार्टी के इस बिहेवियर से परेशान होकर अपने आप को यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर है। ठीक है, और देखते हैं, गाइड कीजिए बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब करंट में और क्या हो रहा है, दोनों की एक दूसरे को लेकर और क्या सोच बनी हुई है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। फाइव ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है टेन ऑफ वैंड्स। फाइव एंड नंबर टेन यानी कि आपका हो गया मई और अक्टूबर मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ना थर्ड पार्टी डेफिनेटली ऐसे रिग्रेट में है जिसका कोई भी यहाँ पे भरपाई नहीं है। इवन ना थर्ड पार्टी को यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, जितना ज़्यादा ये आपके पार्टनर को अब ऑब्जर्व कर रही है, जितना ज़्यादा ये आपके पार्टनर को समझना चाह रही है, ये समझ पा रही है कि ये आपके पार्टनर से वो इमोशंस, वो जज्बात, वो फीलिंग्स पा नहीं पाएगी जो कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर ने दी है। यानी कि यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के मन में ये चीज़ें हैं जिसे ये ऑब्जर्व कर रही है, फील भी कर रही है कि यहाँ पर हमेशा आपके पार्टनर की साइड से इमोशंस जो
मिलनी चाहिए ना इसे, उसकी हमेशा यहाँ पर कमी रहेगी। ये हमेशा इमोशनली लेवल पर यहाँ पर अपने आप को अकेला ही पाएगी। वो इनसिक्योरिटी भी इस थर्ड पार्टी के दिल में आपके पार्टनर को लेकर हो रही है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये अब आपके पार्टनर की हर एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही है विद दिस फाइव ऑफ कप्स। यहाँ पर विद दिस टेन ऑफ वैंड्स कार्ड ये आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। जितना ज़्यादा ये थर्ड पार्टी को ऑब्जर्व कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपके पार्टनर को एक अलग ही स्ट्रेस आ रहा है, एक अलग ही स्ट्रेस लेवल आपके पार्टनर का बढ़ रहा है। रीज़न यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर कभी जो एक वक्त पे थर्ड पार्टी को अपना एक पार्टनर, अपना एक हीलर, अपना एक सपोर्टर मान रहे थे या इसके लिए सब चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे थे, अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को एज अ बर्डन लेकर चल रहे हैं। एज इन कि इसकी सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, ये अकेले इसकी जिम्मेदारी ढोने वाले रह गए हैं। तो ऐसा आपके पार्टनर के साथ हो रहा है जो चीज़ें इनके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपसे बोला ना, दोनों के दिल में ना बड़ी ही एक दूसरे को लेकर खींचातानी तो चल रही है, ठीक है। और देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब करंट में और क्या हो रहा है, गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। टेन ऑफ सोल्स एंड बॉटम है आपका स्ट्रेंथ। भाई नंबर 10 तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड नंबर 8 यानी कि आपका अगस्त मंथ, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये जो भी राशियाँ हैं ना वो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की होंगी। और इवन देखो सभी आ गई हैं, ये आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट, तो सभी राशियाँ यहाँ पे हैं। थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं डीप इनसाइड इस चीज़ का डर अब सताने लगा है कि आपके पार्टनर उसको किसी भी पल, किसी भी घड़ी चीट कर देंगे, किसी भी पल, किसी भी घड़ी इस रिश्ते को ख़त्म करके ये आगे बढ़े चले जाएंगे, ठीक है। वो इनसिक्योरिटीज़ थर्ड पार्टी के दिल में अब आपके पार्टनर को लेकर पनप रही है। एज एन उसके मन में ये घबराहट है कि यहाँ पर ये रिश्ता जो भी है वो बर्बाद होने की कगार पर है, और बस कुछ ही पल बचे हैं इस रिश्ते के पूरी तरह से तबाह होने के, या आपके पार्टनर के इस थर्ड पार्टी के साथ विश्वासघात करने के, गद्दारी करने के, इनके पीछे कहीं ना कहीं इसके खंजर घोंपने के। तो वो डर इस थर्ड पार्टी के मन में आपके पार्टनर को लेकर पनप रहा है, जिसके चलते ये आपके पार्टनर के ऊपर निगाहें भी रखे हुए हैं। ऐसे देखिए, ये आपके पर्सन को स्पाई कर रही है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी के दिल में ये घबराहट है आपके पार्टनर इसको छोड़कर चले जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएगी, या ये वो दिन इसके बहुत करीब पहुंच गए हैं जिस दिन ये अकेली रह जाएगी। तो वो घबराहट इस थर्ड पार्टी को, आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए, एक होता है ना मन की जो इनसिक्योरिटी होती है वो और ज़्यादा कंट्रोल करने लगती है, और यही चीज़ें आपके पार्टनर को परेशान कर रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर उन लोगों में से अपने आप को नहीं देखते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं समझना चाहते हैं कि कोई इन्हें कंट्रोल करे। ये वो इंसान है जो भाई आज़ाद रहना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी का ये जो इनसिक्योरिटी है ये कब कंट्रोल में कन्वर्ट होता जा रहा है वो ये समझ नहीं पा रही है, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब करंट में और क्या हो रहा है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द मैजिशियन एंड बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो मुझे चांसेस यहाँ पर ये दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पे ना होना हो कुछ तो गड़बड़ घोटाला कर रही है विद दिस द मैजिशियन, कोई स्पेल वर्क कर रही हो, कोई जादू टोना कर रही हो, बहुत मैन्युपुलेटिवली ये चीज़ें कर रही है। और रीज़न यहाँ पर बनता है इसके मन की इनसिक्योरिटी, इसके मन का डर, इसके मन की जेलेसी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इसकी लाइफ से चले ना जाए। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी होना हो आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए, अपने ही पास रहने के लिए कुछ ना कुछ तो स्पेल वर्क इनके ऊपर कर रही है,
ठीक है, बातें भी काफ़ी ज़्यादा मैन्युपुलेटिव वे में अब ये कर रही है, लेकिन यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड इस वक्त में आपके पार्टनर एकदम पत्थर दिल बने हुए हैं, यानी कि ये दिल से नहीं दिमाग से सोच रहे हैं, जबकि थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर के दिल को, इनके इमोशंस को कंट्रोल करने में लगी हुई है, लेकिन आपके पार्टनर अब इस वक्त में दिल से सोच ही नहीं रहे हैं, डील कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कोई भी इमोशंस वाइज इसकी एनर्जी नहीं आई है आपके पार्टनर की। इवन यहाँ पर ये पर्सन एकदम दिमाग से हो गए हैं, पत्थर दिल बन गए हैं और सभी चीज़ों को उस वे में देख रहे हैं, जैसे कि बस अब इनकी एक ही धुन है, एक ही सपना है, बस अपनी इंडिपेंडेंसी ही जैसे बस इन्हें प्यारी लग रही हो, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और देखते हैं गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी ऑफ व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। गाइड कीजिए बताइए दोनों के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखो दोनों ना कहीं यहाँ पे ना अपने फैसले को लेकर पॉजिटिव तो हो रहे हैं, यानी कि मूव ऑन करने को लेकर पॉजिटिव तो हो रहे हैं, स्पेशली मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे आपके पर्सन तो डेफिनेटली यहाँ पे मूव ऑन करने का फैसला लेना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी से दूर जाना चाह रहे हैं, भले यहाँ पर रिश्ता ना तोड़ें वाली चीज़ है, लेकिन यहाँ पर अपनी स्थान को, अपनी जगह को बदलने की इच्छा आपके पार्टनर के अंदर यहाँ पर साफ साफ दिख रही है, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर हद से ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, ये इन्हें दूर नहीं भेजना चाहती, दूर नहीं करना चाहती है, तो ऐसा कुछ दोनों के बीच में करंट में हो रहा है व्यूअर्स। ठीक है, चलिए ये देखते हैं इन दोनों के बीच में जैसे इतनी खींचातानी हो रही है, इसका आउटकम क्या होगा। ठीक है, एंजल्स के माध्यम से या किसी तरह की गाइडेंस अगर आपके लिए आ रही है तो वो भी देखा जाएगा, क्या ये रिश्ता बढ़ेगा, रुकेगा, क्या होगा, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। नो, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस रिश्ते का क्या होगा, गाइड कीजिए, लेट गो, गाइड कीजिए, बताइए इस रिश्ते के बारे में, बताइए क्या होगा इन द नियर फ्यूचर। देखिए बेसिकली यहाँ पे ना इन दोनों का रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है, जो कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ लास्ट रीडिंग में, आप देखिएगा थर्ड पार्टी की रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि इन द नियर फ्यूचर ये दोनों एक दूसरे को ना चाहकर भी या चाहकर भी लेट गो करेंगे, ये रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बढ़ेगा, नहीं चलेगा, ये चीज़ें एंजल्स कहना चाह रही हैं। एंड रिमेन पॉजिटिव, आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपको बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि ये रिश्ते का कोई आउटकम नहीं आएगा, एज एन ये रिश्ता नहीं जुड़ेगा, ये रिश्ते में ये दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, मूव ऑन करेंगे, लेट गो करेंगे एक दूसरे को, और ये चीज़ें बहुत जल्द होंगी। आप यहाँ पे लास्ट रीडिंग भी देख सकते हैं कब तक की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।